नमस्ते, मैं आकाश राजपुरिया एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ नए 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 एपिसोड में, जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सो लेट्स गो डायरेक्टली इनटू अवर जुपिटर नोटबुक। उसमें समझते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और हम क्या करने वाले हैं उससे। आज हम देखेंगे इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स, जैसे आपने डिस्क्रिप्शन या कैप्शन में पढ़ लिया होगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ अभी तक के हमने देखा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में फॉर लूप का क्या काम है, व्हाइल लूप का क्या काम है, कैसे हम कोई चीज को रिपीट करा सकते हैं, कैसे हम एक-एक एलिमेंट लिस्ट का चेक कर सकते हैं, ये सब चीज हमने फॉर लूप में और व्हाइल लूप में देखा। आज हम देखने वाले हैं इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। इफ एंड एल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, जस्ट हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इफ एंड एल्स एक्चुअली में यूज कहाँ होता है। लेट्स से इन आवर डे टू डे लाइफ, जैसे हमें कोई चीज चेक करनी हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में शक्कर खत्म हो गई है, तभी मैं नई शक्कर लेके आऊंगा। सो देयर इज ऑलवेज इफ एसोसिएटेड विद दैट। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक अलार्म मिलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा स्कूटी है या कोई बाइक है, इसका अगर स्टैंड लगा है, ओके देयर इज योर बाइक एंड इट हैज द स्टैंड, स्टैंड लगा हुआ है, ओके आपने निकाला नहीं, तो एक बीप साउंड बचते रहेगा जब तक आप वो स्टैंड हटाओगे नहीं। सो हाउ कंप्यूटर डिसाइड कि कहाँ पे बीप बजाना है, कहाँ नहीं बजाना है। ओके, लाइक जब आप एक अलार्म लगाते हो तो इट ऑटोमेटिकली रन्स एट 4 AM, अगर आपने 4 बजे का लगाया तो वो 12 बजे से 4 बजे तक नहीं बजेगा, वो सिर्फ डायरेक्ट 4 बजे बजेगा। सो वो एक कंडीशन चेक करता होगा कि 4 बज गए हैं या नहीं, और फिर अलार्म बजाता होगा। दैट इज कॉल्ड एज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। नाउ आपने बचपन से सुना होगा कि 90% मार्क्स लाए तो घड़ी, नहीं तो छड़ी, वी नो दैट ऑल द सॉन्ग। एग्जैक्टली सेम दैट दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, कि अगर आपने ये किया सो आपको ये मिलेगा, आपने ये नहीं किया तो ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। सो अगर दैट इज कॉल्ड एज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। अप टिल नाउ वी वेर डिसाइडिंग कि हाउ द कंप्यूटर प्रोग्राम शुड रन, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया, प्रिंट 1 देन प्रिंट 2, सो ये लाइन से प्रिंट होता है, बट मेरे को अब नेक्स्ट प्रिंट 3 नहीं कराना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, इफ लेट्स चेक दैट इफ द नेम नेम इज इक्वल्स टू राजेश, मैं चेक कर रहा हूँ कि राजेश आया है क्या। राजेश आया है देन ही प्रिंट 3, नहीं तो एल्स प्रिंट कम टुमोरो। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन अ सिंपल प्रोग्राम, आई वुड एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन। जस्ट द थिंग इज वी नो दैट कि ये प्रिंट स्टेटमेंट नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा, पहला 1 स्टेटमेंट फिर सेकेंड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आ गया मेन कंट्रोल। सॉरी, इसमें क्या होता है मेन कंट्रोल में, नाउ ये एक कंडीशन चेक करेगा कि जो भी नेम वेरिएबल है कंप्यूटर के पास, ओके वो नेम वेरिएबल में राजेश है या कोई और नाम है। अब जैसे मुझे राजेश चाहिए, मेरा काम राजेश से होगा, तो मैं राजेश का नाम चेक कर रहा हूँ। राजेश के अलावा अगर कोई और है, सो इन दैट केस आई एम सेइंग कल आना भाई, अगर राजेश है तो आई एम प्रिंटिंग 3। लेट्स ट्राई दिस, पहले हम कोई और नाम देके देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले देता हूँ नाम शुभम। ओके, सो इट वुड सेव मी दैट नाउ। हाँ, अब यहाँ पे सिंगल इक्वल्स टू नहीं चलेगा, देखो इसका मतलब समझो क्या है, देयर इज अ सिंपल वे टू राइट इफ स्टेटमेंट। क्या है वो सिंपल स्टेटमेंट, जब भी आप इफ लिखते हो तो इफ के बाद एक कंडीशन चेक करते हो। जैसे हमने एक कंडीशन चेक की थी, जैसे ट्रेन का है, अब मुझे ट्रेन से जर्नी करना है,
ओके सो आई वुड चेक, मैं ये चेक करूंगा उसमें कि मेरी टिकट बुक्ड है या नहीं है। सो उसको कंडीशन बोलते हैं, जो भी चीज आपको चेक करना हो। तो मैं इफ के आगे कंडीशन लिख दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे इफ एक कंडीशन लिखी है, नेम इक्वल्स टू राजेश। अब नेम इक्वल्स टू राजेश नहीं लिखना पड़ता इधर, जब भी आप चेक करते हो कोई चीज, डबल इक्वल्स टू, हमने देखा है प्रीवियस एग्जांपल में, टू चेक द कंडीशन। सो ऑल द टाइम, हर बार इफ के बाद में, इफ के बाद में एक कोई ना कोई कंडीशन आएगी, इफ के बाद में कंडीशन आएगी। फिर कोलन, इस कोलन का मतलब सेम जैसा हमने फॉर लूप में समझा था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वो सब देखना, वीडियोस बड़े हैं बट काफी इंटरेस्टिंग है। सो इफ लिखने के बाद में कोलन देना पड़ेगा आपको। कोलन ये डिसाइड करेगा कि ये इफ की हुकूमत कितने एरिया तक है, मतलब ये डिसाइड करेगा कि आपको क्या क्या ये इफ कंट्रोल कर रहा है। जो भी चीजें ये स्पेस के अंदर है वो सब चीज इफ कंट्रोल करेगा। सो अभी हमने सिर्फ print 3 लिखा है, सो सिर्फ print 3 कंट्रोल करेगा। फिर else part, अगर ये ना हुआ तो देन उसके बाद कम टू मोर। सो इस चीज में हमें सिर्फ एक चीज चेंज करना है, दैट इज सिंगल इक्वल्स टू की जगह डबल इक्वल्स टू। अब देखो नाम शुभम है, राजेश नहीं है, तो वो हमें कम टुमारो बोलेगा। देखो पहले फर्स्ट एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरा, यहाँ उसने कंडीशन चेक की, ये कंडीशन गलत हो गई क्योंकि शुभम और राजेश सेम नहीं है, तो वो यहाँ जाने के बजाय वो एल्स वाले पार्ट में चलेगा। ये कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा अगर ये कंडीशन रॉन्ग है। सो एल्स में गया, एल्स में भी सेम वे आपको उसकी एरिया डिफाइन करना है कि एल्स का कितना बड़ा एरिया है, एंड देन प्रिंट कम टुमारो। सो कम टुमारो हो गया। अब इसकी जगह पे आप राजेश डाल के देखोगे, ओके सो अगर आप यहाँ पे राजेश डालोगे तो इट वुड वर्क परफेक्टली फाइन एट 1, 2 और 3। रेडी सेट एंड गो। सो ये था इफ और एल्स स्टेटमेंट। अब आप प्रोग्राम को सिंपल इफ में भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछा इनपुट, मैं एक यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट एंटर योर नेम। सो यूजर अपना नाम एंटर कर सकता है यहाँ पे, हम उसको सेव कर लेंगे कहीं ना कहीं, लेट से एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, वेरिएबल 1 इक्वल्स टू। और मुझे ये देखना है इसके अंदर कि ये जो नाम एंटर किया है, ये नाम फॉर एग्जांपल कोई काउंटर पे बैठा है, ओके ऑफिस में, मुझे ये चेक करना है कि मुझसे मिलने निर्णय आया है या नहीं। सो आई वुड चेक इफ वेरिएबल 1 इक्वल्स इक्वल्स निर्णय, ओके अब मैं ये चेक करूंगा, अगर ये कंडीशन सही रही तो मैं बोलूंगा प्रिंट कम इन, सिंपल। अगर ये कंडीशन फॉल्स रही तो देखो मैं कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूं। अब ये विदाउट एल्स भी आप रन कर सकते हो, ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे इसको रन किया, अब ये फर्स्ट कंडीशन पे रुका है कि भाई तू अपना नाम एंटर कर, एंटर योर नेम। जैसा आप इमेजिन करो कि एक ऑफिस है और उसके रिसेप्शन पे रिसेप्शन आपको नाम पूछ रहा है, जब तक आप नाम नहीं बताओगे आप अंदर नहीं जा पाओगे। सो निर्णय के अलावा और कोई नाम लेते हैं हम, जैसे कि अखिलेश बोलते हैं। सो अखिलेश को कोई जवाब नहीं मिला। सी जब एल्स पार्ट है ही नहीं, मैंने यहाँ एल्स लिखा ही नहीं है, जैसे यहाँ एल्स लिखा था तो कम टुमोरो प्रिंट हुआ था। बट मेनी सिचुएशंस ऐसे भी आते हैं जहां आपको एल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, चुप रहने में ही भलाई है। सो एल्स पार्ट नहीं लिखा, सो एल्स का एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो यू कैन राइट सॉरी, यू कैन राइट इफ विदाउट एल्स ऑल्सो, विदाउट एल्स ऑल्सो। सो विदाउट एल्स भी आप लिख सकते हो। अब इस सेम इसमें अगर मैं निर्णय चलाऊंगा सो इट वुड प्रिंट कम इन। सो ये फर्क है इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, ओके। अब हम इसमें एक सिंपल एक प्रोग्राम लिख सकते, देख सकते हैं कि मैं 2 नंबर एंटर करने लगाऊंगा यूजर को, Enter 2 number एंड फाइंड द बिगेस्ट, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। सो मैं यहाँ पे 2 नंबर लूंगा, N1 इक्वल्स टू इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर
ओके, सेम चीज हम N2 के साथ भी कर देंगे, N2 में भी एक नंबर मंगवा लेंगे भाई से। सही, ये हो गया सेकंड नंबर। स्पेस दे देंगे ताकि डिफरेंस दिखे उसमें। एंड नाउ मैं यहाँ चेक करूंगा इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, इन दैट केस प्रिंट योर N1 नंबर इज बिगर। सो हम इसको कैसे प्रिंट कराते हैं देखना, समझना है, काफी इंटरेस्टिंग है। सो मैं यहाँ लिखूंगा ब्रैकेट्स में N1 लिखूंगा और फिर लिखूंगा इज ग्रेटर। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मैं इसको काफी बढ़िया वे में एक्सप्लेन करूंगा तो रुकना। एल्स आई वुड प्रिंट हियर N2 is greater. Let's understand this, क्या हो रहा है यहाँ पे। इसको रन किया, फर्स्ट नंबर पूछा 6, सेकेंड नंबर 5। सो अब मेरा N1 बड़ा है क्योंकि मेरा N1 में 6 है। मैंने कंप्यूटर में क्या स्टोर कराया, N1 के अंदर 6 और N2 के अंदर 5। अब आपको पता है यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं हम, 6 5 से बड़ा है सो ये प्रिंट करेगा, देखना। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, N1 में नंबर आना चाहिए 6, ऐसा का ऐसा नहीं आना चाहिए। तो आप जो भी चीज डबल इक्वल्स टू में डालते हो वो वैसे ही प्रिंट हो जाती है, वो वैसे ही प्रिंट हो जाती है, याद रखना है। बट अगर हमें कोई वेरिएबल प्रिंट कराना हो तो आप उसके आगे जस्ट सिंपल एफ लिख दो और आपका वेरिएबल शुड बी इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। आई एम राइटिंग दैट हियर। एफ स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। और राइट योर वेरिएबल नेम इन साइड कर्ली ब्रैकेट्स। सो आपको जो भी वेरिएबल का नाम हो जैसे N1, वो कर्ली ब्रैकेट्स में ला दो। सेम हम नीचे भी करेंगे, बस एक एफ लगा देंगे, दैट्स इट। अब देखना मैजिक, वापिस 6 5, अब देखो 6 इज ग्रेटर। आप डिफरेंस समझ रहे हो, यहाँ N1 आया था, यहाँ 6 आया था। सो इसके अंदर आप जो भी वेरिएबल का नाम लिख दोगे वो कंप्यूटर के पास जाएगा, जैसे N1 के लिए वो कंप्यूटर के पास गया और N1 की जो वैल्यू है वो निकाल के यहाँ रख दी। सो ये ब्रैकेट भी चल जाएंगे और वेरिएबल की रियल वैल्यू आ जाएगी। अब इसको दूसरे वे में एग्जीक्यूट करते हैं, 6 इज ग्रेटर आ गया हमारे पास। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपोजिट वे में, जिसमें दूसरा नंबर हम बड़ा रखते हैं, जैसे कि 8 और दूसरा नंबर हम रखते हैं 10। अब मेरा सेकेंड नंबर ग्रेटर है, अब देखो इसमें 8 इज ग्रेटर आ गया। N1 हमारा 8 है, N2 हमारा 10 है, प्रिंट N2 इज ग्रेटर। 8 फर्स्ट नंबर में आया, हमने यहाँ क्या गलत किया, एक सेकेंड। फर्स्ट नंबर हमारा 8 है, सेकेंड नंबर हमारा N2 है, इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, 8 इज ग्रेटर देन 10, लेट्स प्रिंट N1 एंड N2, कोई गलती तो नहीं कर रहे हम। प्रिंट N1, N2, 8, 10, सो 8 और 20 बराबर प्रिंट हुआ। 8 इज ग्रेटर देन N1, 8 इज ग्रेटर देन N2। ओके, सो आप समझो इसमें क्या गलती हो रही है, ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। और ये सेम चीज यहाँ हो रही है, इनपुट फंक्शन हमेशा, सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, इनपुट ऑलवेज ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग। ओके, इनपुट फंक्शन जो है ना वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, हम सिंपल ऐसा कर रहे हैं, इसको 8 greater than 20, तो देखो ट्रू मिल रहा है हमें, इसके लिए 8 प्रिंट हो रहा है। अब ये स्ट्रिंग का कैसे करते हैं समझना, इसको एक ORD फंक्शन होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हो गया ORD ऑफ 8 और ये हो गया ये ORD ऑफ 20। तो हम यहाँ पे इसको 10 करेंगे,
जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम दो वैल्यू नहीं डाल सकते, दो कैरेक्टर नहीं डाल सकते एक्सेप्ट सिंगल कैरेक्टर, बट द लेंथ इज फाउंड 10। ओके, बेसिकली अब इसमें समझने की कोशिश करो ये कैसा कर रहा है। ये जो सिंपल है ना, ये ओ आर डी चेक कर रहा है दोनों के। ओके, 20 का ओ आर डी मतलब 20 स्टोर करने के लिए कंप्यूटर एक नंबर लेता है, जैसे 8 स्टोर करने के लिए कंप्यूटर 8 स्टोर नहीं करता, 56 करता है। ये इसकी ASCII वैल्यू बोलते हैं इसको, वो स्टोर करता है। सो इस वजह से स्ट्रिंग कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अलग कोडिंग में स्टोर्ड है और हमें स्ट्रिंग कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, सो इस चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे ताकि ये हमेशा याद रहे, स्ट्रिंग इट इज डूइंग स्ट्रिंग कंपैरिजन, इट इज डूइंग स्ट्रिंग कंपैरिजन। सो इसको हटाने के लिए सिंपल है, हमें इंटीजर्स को इंटीजर से कंपेयर करना है। सो ये सेम प्रोग्राम और ऊपर का भी सेम वही हुआ। अब 6 और 5 का जो ASCII वैल्यू है वो सेम है, लाइक बराबर है, कम छोटी। सो इस वजह से आपको आंसर मिल गया। ठीक है, बट कभी भी ये इस टाइप से नहीं करना है। आई वुड जस्ट राइट इट डाउन, इसको करना कैसे है। इसको हम सिर्फ इंटीजर में, हमने टाइप कास्टिंग वाले वीडियो में देखा ये, आप पूरी सीरीज देखना अगर आपको कोई मिस लग रहा है पॉइंट, तो आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक दिस। आप यहाँ से यहीं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग इंटीजर फंक्शन। सो ये हो गया इंटीजर में कन्वर्ट, सेम वे में यही करूंगा, सेम इंटीजर में कन्वर्ट। हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब मैं यहाँ पे 6 और 5 डालूंगा तो ये आंसर पहले भी सही आ रहा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरा नंबर डाल के देखता हूँ, जैसे कि 8 और 10। सो आप देखो 10 इज ग्रेटर आ गया, बराबर हो गया। सो इसको समझने की सिर्फ इतनी देरी है कि ये जो इंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो स्ट्रिंग, जैसे कि आप समझो, वो कंपेयर करेगा आकाश इज ग्रेटर देन सम अदर वेरिएबल, लेट्स से हेलो। अब ये ऐसा कंपैरिजन कर रहा हो, तो यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन होता है। ओके, दैट इज ASCII वैल्यू, कंप्यूटर ये ए को स्टोर करने को कोई वैल्यू रखता है तो वो कंपैरिजन होता है। सो दैट इज द रीजन इंट में कन्वर्ट करना जरूरी है। सो हमने ये देखा इफ एल्स। अब इस प्रोग्राम का एक और पार्ट है, उसे समझते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसने डाल दिया 5 और 5, अब बताना क्या आंसर आएगा इसका। काफी इंटरेस्टिंग है, सोचना 2 मिनट, कमेंट में डाल दो नीचे आपने क्या बोला है। या तो N1 ग्रेटर आएगा या N2 ग्रेटर आएगा, क्या ग्रेटर आएगा। ओके, इसको समझो कैसे आएगा, मैं इसके आगे यहाँ पे लिख भी देता हूँ एल्स पार्ट, ताकि आपको समझ में आए कि ये एल्स वाला रन हुआ है या कौन सा रन हुआ है। तो मैं इसके आगे एल्स लिख देता हूँ और इसके आगे मैं इफ लिख देता हूँ, ताकि आपको समझे कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। सो 5 और 5, अब देखना इसमें मुझे बताना इफ वाला एग्जीक्यूट होगा या एल्स। ठीक है, कमेंट कर देना। अब इसको समझते हैं, N1 दैट इज 5 इज ग्रेटर देन 5, ये बताओ ट्रू है या फॉल्स। ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। सो कंप्यूटर ये स्मार्ट इनफ नहीं है कि वो बोल देगा ये दोनों इक्वल्स टू है, उसने सिर्फ ये समझा कि ये ट्रू है या फॉल्स। क्योंकि ये फॉल्स है, ये सीधा एल्स में आएगा और N2 वाला पार्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सी देखना, वो बोलेगा 5 इज ग्रेटर और फिर एल्स में आ गया वो। सो ये सिचुएशन हटाने के लिए अब हम एक नया टॉपिक समझेंगे। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब हम नया देखेंगे, इसके अंदर हम डाल सकते हैं एक और चीज जिसमें हम एक और कंडीशन चेक करेंगे। इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, अब मैं ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ N2 ग्रेटर है या नहीं। उस केस में मैं प्रिंट करूंगा N2 ग्रेटर, और लास्ट में अगर ये भी नहीं रहा तो एल्स मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे प्रिंट इक्वल। अब देखना ये सब चीज सॉल्व हो गई है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहला इफ स्टेटमेंट तो ये देख रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है जैसे 7 है, वो बड़ा है क्या सेकेंड नंबर से 6। सो उस केस में तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर वो चेक करेगा सेकेंड पार्ट कि 6 बड़ा है क्या 7 से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेकेंड नंबर लेते हैं हम, सेकेंड नंबर हो गया इसमें 10 और 8 12। सो अब चेक करेगा वो 12 इज ग्रेटर देन 10, अगर ये कंडीशन राइट है तो ये प्रिंट करेगा।
और ये भी राइट नहीं है, तो एल्स में चल जाएगा वो। और पहले इसको रन करके देखते हैं। 6 7 7 बड़ा आ गया, ठीक है। अब 7 6 7 बड़ा आ गया और इक्वल भी प्रिंट हो गया। अब देखना ये कैसा पार्ट है, यहाँ इक्वल भी प्रिंट हो गया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हुआ और क्या हुआ, ठीक है। सो अब इसमें इसने क्या किया है, सिंपल फर्स्ट कंडीशन चेक की, 7 ग्रेटर देन 6। ये कंडीशन ट्रू है तो वो ये प्रिंट हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम समझो क्या है, उसने ये कंडीशन भी चेक की, अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप समझो क्या हो रहा है। 7 ग्रेटर देन 6 बराबर है, तो उसने फर्स्ट प्रिंट कर दिया। अब नाउ वो नीचे आया, उसने ये भी चेक किया, देखो जैसे जितने इफ है ना वो सब चेक करेगा। अब यहां उसने चेक किया, 6 इज ग्रेटर देन 7, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। सो उसने डायरेक्टली एल्स वाला पार्ट प्रिंट करा दिया, ठीक है, डायरेक्टली एल्स वाला पार्ट प्रिंट करा दिया। सो इस वजह से आपको इक्वल्स टू भी मिल रहा है यहाँ। बट हमें ये नहीं चाहिए, इसको लॉजिकली समझो। एक बार अगर नंबर हमने पता लगा दिया कि N1 बड़ा है, सो हमें ये चेक करने की जरूरत है क्या? जैसे कि हमने बोल दिया 7 इज ग्रेटर देन 6, सो अब ये कंडीशन चेक करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, राइट? सो इसके लिए हम इसको देखना कितने इजीली सॉल्व करेंगे। मैं बस यहाँ पे एक LF वाला कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, ELF, दैट्स इट। अब देखो कैसे सॉल्व हो गया ये, 7 6 7 इज ग्रेटर, बराबर। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, 6 7 7 इज ग्रेटर, ठीक है, ये भी बराबर पहचान लिया उसने। अब इक्वल वाली देखते हैं, 7 7, ये भी पहचान लिया उसने। अब ये एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया, और अब इसमें ये एल्स जो पार्ट है ना इसने सॉल्व किया है। अब समझते हैं ये कंसेप्ट क्या है। सो देखो इसमें 3 चीजें हैं, इफ, एल्स और एलिफ, तीनों का डिफरेंस समझते हैं। फर्स्ट इज इफ। अब आप जितने भी इफ लिखोगे कंप्यूटर वो सब इफ को चेक करेगा। जस्ट इमेजिन दैट कि एक रूम है बड़ा सारा, उस रूम में कई सारे दरवाजे हैं और सब दरवाजों के पीछे एक एक चोर है, ठीक है। हर दरवाजे के पीछे चोर हो सकता है, लाइक कुछ 10 के ऊपर चोर है और दरवाजे यहाँ पे 7 है, 10 के ऊपर चोर है, तो कुछ दरवाजों में चोर हो सकते हैं, कुछ में नहीं हो सकते, कुछ में डबल हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो अब जो पुलिस वाला है वो पहला ये दरवाजा चेक करेगा। अब उसको 2 चोर मिल गए, तो इसका मतलब यह है क्या कि वो सब दरवाजे छोड़ देगा? नहीं, ये है इफ का कंडीशन। अगर आप इफ लिखोगे तो जैसे पुलिस वाला इधर भी चेक करेगा, इधर भी चेक करेगा, इधर भी चेक करेगा, इधर भी चेक करेगा और इधर भी करेगा। सेम चीज यहां पे भी हो रही है। अब वो ये इफ भी चेक कर रहा है और ये इफ भी चेक कर रहा है, इस वजह से हमारे इसमें प्रॉब्लम आ गई। और जब भी आप एल्स देखोगे वो सिर्फ उसके ऊपर वाले इफ से कनेक्टेड रहेगा, जैसे कि ये एल्स इससे कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ उसके ऊपर वाले इफ से कनेक्टेड है, उसमें कुछ गलत हुआ तो वो एल्स पे आ जाएगा। अब एल्स इफ क्या करता है, एल्स इफ इसका थोड़ा अपोजिट है। इसको अगेन एक स्टोरी से समझते हैं। 3 दरवाजे हैं, ठीक है, एक कोई दरवाजे के पीछे सोना है और बाकी 2 दरवाजों के पीछे मौत है। मौत नहीं रखते, चलो इसको सिंपल बनाते हैं कि एक दरवाजे के पीछे सोना है और बाकी 2 दरवाजे के पीछे कुछ नहीं है। सो हम क्या करेंगे, एक नया बंदा आया, उसने पहले ये दरवाजा खोला, कुछ नहीं मिला तो ये खोला, कुछ भी नहीं मिला तब ये खोला। अब समझो उसको अगर पहले दरवाजे में ही गोल्ड मिल गया तो वो कभी ये 2 दरवाजे चेक ही नहीं करेगा। इसको बोलते हैं एल्स इफ, दैट इज एलिफ। इसका सिंपल मतलब हुआ, इफ योर अबाउट कंडीशन इज रॉन्ग, अगर वो फॉल्स है तब
तब मेरे पास आ, ये कंडीशन चेक कर। डिफरेंस है एल्स इफ में और एल्स में, बड़ा डिफरेंस है। एल्स में हम कोई कंडीशन चेक नहीं करते, जैसे आप समझो आप इंजीनियरिंग को जा रहे हो, आप पहली ब्रांच देखोगे सीएस, दैट इज इफ। एल्स इफ नाउ आप इसमें डिफरेंस समझो, एल्स इफ अगर आपको सीएस नहीं मिली तो तब आप आईटी ब्रांच देखोगे। अब आईटी भी नहीं मिली तब आप इलेक्ट्रॉनिक्स देखोगे, और अगर सब ब्रांचेस खत्म हो गई ऐसी एल्स इफ करते हुए तब आप एल्स में इंडस्ट्रियल ब्रांच ले लोगे। ठीक है, सो अब ये जो एल्स वाला पार्ट है इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है, अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है आपके पास चेक करने को, ये आखिरी में बस आपको लेना है, दैट इज एल्स। सो मैंने आखिरी में एल्स इक्वल्स प्रिंट करा दिया बस। अब इसके अंदर आप इफ यूज नहीं करोगे, समझ के देखो। अगर ये सेम सी एस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाला जो एग्जाम्पल दिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा इफ मुझे सी एस मिल गई, अगर मुझे सी एस मिल गई तो मैं आईटी चेक करूंगा क्या? सो दो इफ नहीं आ सकते, क्योंकि इफ आया तो ये भी चेक करेगा। अगर मुझे सी एस मिल गई तो मैं ये कभी चेक नहीं करूंगा, तो मैं एल्स इफ लिखूंगा। सो सेम कंडीशन यहाँ हो रहा है, एल्स इफ से हम चेक कर रहे हैं और फिर नीचे जा रहे हैं। आप बताना कमेंट में, अगर समझ में नहीं आया तो मैं नया वीडियो बना दूंगा, बट दिस इज द कंप्लीट थिंग, सिंपल है। इफ में सब कंडीशन चेक करेंगे, एलिफ में अगर ऊपर वाली कंडीशन गलत है तो ही मेरे पास आ भाई, नहीं तो मत आ। एक लास्ट एग्जाम्पल समझते हैं और इसको खत्म करते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट के मार्क्स है इनपुट, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और हम उसको ए में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ चेक करूंगा इफ ए इज ग्रेटर देन 75, तो मैं उसको बोल दूंगा, और हाँ इसको इंट कर लेना नहीं तो और प्रॉब्लम आएगा। सो इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन 75, और इन दैट केस मैं यहाँ सिंपल प्रिंट करा दूंगा एक्सेलेंट। अब मैं एक और कंडीशन चेक करूंगा, इफ ए इज लेस देन 75, और एंड भी डाल दूंगा मैं इसके अंदर, ए इज ग्रेटर देन 60, इन दैट केस मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे गुड। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बस ये प्रोग्राम लिख ले दो। ए इज लेस देन 40, ए इज लेस देन 60, एंड ए इज ग्रेटर देन 40, इन दैट केस आई वुड राइट हियर एवरेज और एल्स पुअर। ओके, पहले रन करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट आता है। ठीक है, मार्क्स पूछ रहे हैं, पहले एकदम अच्छे मार्क्स देते हैं 99, देखो एक्सेलेंट और पुअर सब आ गया इसमें, तो मेरा प्रोग्राम यहीं पे खराब हो गया। अब इसको समझते हैं क्यों खराब हुआ। सो मैंने जैसे ही 99 डाला, इसने ये कंडीशन चेक की, 99 भाई 75 से बड़ा है करेक्ट है, तो वो उसने एक्सेलेंट प्रिंट कर दिया। कोई बात नहीं, एक्सेलेंट आ गया। अब उसने ये कंडीशन चेक की, ए जो है वो 75 से छोटा है, नहीं छोटा नहीं है। अब ये एंड का मतलब समझते हैं, ये एंड क्या है, आपने आपके स्कूल डेज में देखा होगा ये एंड। एंड का क्या मतलब होता है, इसमें हम कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशन रखते हैं, जैसी पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। जब हमें चाहिए कि दोनों कंडीशन एकदम सही हो, ठीक है, तब आप बात आगे बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल, आईआईटी में सिलेक्ट होने के लिए मुझे JEE के मार्क्स 250 के ऊपर चाहिए, अब ऊपर चाहिए, और सेकंड कंडीशन है, और नहीं मतलब ये भी कंडीशन चाहिए मुझे, एंड कंडीशन क्या है कि मुझे बोर्ड्स में 90 के ऊपर आना चाहिए। अब इसमें से एक भी कंडीशन खराब हो गई, जैसे मैंने 89 आ गए बोर्ड में, तो मैं JEE को नहीं जा सकता, दोनों कंडीशन 100% चलना चाहिए। सो मैंने यहां पे लिखा कि वो 75 से कम हो और 60 से बड़ा हो, मतलब 60 और 75 के बीच में हो, ये रेंज में हो, तब मैं उसको गुड बोलूंगा।
40 और 60 के बीच में हो तो मैं उसको एवरेज बोलूंगा, और 40 से कम हो तब वो पुअर बोलूंगा। तो अब देखो क्या हुआ इसमें, 75 ये कंडीशन चेक हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब यहाँ कोई एल्स है ही नहीं, तो वो नेक्स्ट स्टेप देखेगा, यहाँ पे वो वापस देखेगा कि नहीं है, 60 और 40 के बीच में नहीं है मार्क्स, तो वो एल्स पे आ गया ना उसी। ये एल्स जो है वो इनसे कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ एक इफ से कनेक्टेड है, एक इफ से, दैट ये वाले इफ से, उसके ऊपर वाले इफ से। तो यहाँ पे अगर कुछ गलत हुआ ना तो वो ऑटोमेटिकली इसमें जंप कर जाएगा। तो कोई बात नहीं, आकाश एल्स हटा दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट? मैं एल्स हटा दूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपकी बात बराबर है, एल्स हटाने पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट पुअर वो कभी प्रिंट ही नहीं करेगा। ओके, वो पुअर प्रिंट ही नहीं करेगा। आप एक चीज ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे इफ लिख दिया, इफ ए इज लेस देन 40, फिर हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पे पुअर, ये एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है? और इसमें वो बढ़िया चल जाएगा, 99 पे बढ़िया आ रहा है, फिर 55 पे बराबर आएगा कि एवरेज है, क्योंकि 55 इसके बीच में है। बट इसमें क्या हो रहा है ना, वो हर कंडीशन चेक कर रहा है। देखो इसमें वो चेक कर रहा है कि 55 75 से बड़ा है क्या, नहीं है तो वो दूसरा इफ चेक कर रहा है, 55 75 से छोटा है हाँ, बट 60 से बड़ा नहीं है, तो ये भी प्रिंट नहीं हुआ, वुड भी प्रिंट नहीं हुआ, बट एवरेज के बीच में आ गया वो, तो प्रिंट हो गया। अब इतना सब करने से अच्छा आप ये प्रोग्राम को एल्स इफ भी लिख सकते हो। यहाँ जैसे मैंने एल्स इफ कर दिया, एल्स इफ कर दिया, और इसको मैंने एल्स कर दिया। अब देखो इसको मैं ये प्रोग्राम को सेम एल्स इफ से समझा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आप चीजों को सॉल्व कैसे कर सकते हो। एल्स इफ इज ए इज ग्रेटर देन 65 75, ठीक है? एल्स ए इज लेस देन 60। ओके, फर्स्ट लेट मी रन दिस, एक्सेलेंट, देन 66, गुड, 55, इफ दैट इज 55 इज लेस देन 60, ओके, जस्ट अ सेकेंड, इफ एल्स इफ ए इज ग्रेटर देन 75, अब यहाँ हम लिख देंगे ग्रेटर देन 60, ओके, यहाँ हम लिख देंगे ग्रेटर देन 40, ओके, नाउ सी। अब इसमें एंड की जरूरत नहीं है, मैंने कैसे प्रोग्राम को सिंपल कर दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले रन करने दो, 99 पे एक्सेलेंट, देन 66 पे गुड, ठीक है? फिर आप उसको एवरेज पे लेके एवरेज पे लेके आते हैं, तो उसके लिए 45 डाल देते हैं एवरेज, और पुअर करने के लिए 35 कर देते हैं, ठीक है? अब इसको समझो कि ये हुआ कैसे। यहाँ पे मैंने सिंपल एल्स इफ का कंसेप्ट लगा दिया, जैसे कि अब मेरे मार्क्स है 99, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 99 ग्रेटर देन 75 बराबर है, तो एक्सेलेंट प्रिंट हो जाएगा। लेट मी रन दिस, 99 एक्सेलेंट प्रिंट हो गया। अब इसको समझो, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो कभी इस पे नहीं उतरेगा, कभी इस पे नहीं उतरेगा, और कभी ये चेक नहीं करेगा। ये डिफरेंस है इफ और एल्स इफ में। इफ में क्या कर रहा था वो, लास्ट वाले इफ का अगर गलत हो जा रहा था तो वो एल्स प्रिंट कर दे रहा था, नहीं, आप यहाँ पे एल्स इफ डाल सकते हो तो वो कभी वो एल्स इफ चेक ही नहीं करेगा। अब मैंने 75 से कम डाले बट 60 के ऊपर डाले, जैसे कि 66, तो अब देखना इसमें क्या किया उसने, ये कंडीशन चेक की, ए 66 ग्रेटर देन 75 नहीं है, तब वो एल्स इफ पे आया, उसको पहले दरवाजे में सोना नहीं मिला। अब उसने देखा 66 ग्रेटर देन 60 हाँ भाई, तो उस केस में उसने गुड प्रिंट कर दिया। अब जैसे ही उसको सोना मिल गया यहाँ, वो 40 पे कभी नहीं आएगा, वो एल्स पे कभी नहीं आएगा, वो टाटा बाय बाय अपने घर पे। तो इस तरीके से आप इफ और एल्स इफ यूज कर सकते हो, ये प्रोग्राम मैंने बताया है, ठीक है? ये कंप्लीट था कंसेप्ट इफ एल्स इफ और एल्स का, कैसे यूज कर सकते हो। ये सिर्फ मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, अभी हम इस पे पूरे प्रोग्राम करने वाले हैं। आप ये कंसेप्ट समझो, ये नोटबुक को एज इट इज प्रैक्टिस करो, ठीक है? इसमें मार्क्स डाल के देखो एंड लगा के देखो कि क्या आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये सेम नोटबुक ऐसी की ऐसी प्रैक्टिस करो, आप वीडियो पॉज कर सकते हो, मैं लगे तो ये सब गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, ओके? बट आप प्रैक्टिस करो इसकी। मैंने एक नया प्लेलिस्ट भी चालू किया है जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है? जिसमें हम पाइथन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, और वो मैंने पहला वीडियो अपलोड भी कर दिया है, आपको लिंक डाल दूंगा इसके नीचे, जरूर जाके देखना। बेसिक क्वेश्चंस है,
और हमने स्टार्ट कर दिया है प्रिपरेशन। जल्दी मिलेंगे, तब तक के कीप स्माइलिंग कीप स्माइलिंग कीप स्माइलिंग।